जापान दे विच पेमेंट सीधी नहीं फड़ाई जाती, एक ट्रे दे विच रखी जाती है, तो वह भी चेंज की वापसी थानू एक ट्रे दे विच रख के करते हैं। जापान आके सब तो पहला स्ट्रीट फूड मैं ये खादा। पैनकेक्स मैं बहुत वधिया लगते हैं, पैन वैसे तो आटा ही आ, सो पैनकेक्स दे विच सॉलिड क्रीम पा के ते विच मैंगो पाया, सो मैंगो पैनकेक्स आ बेसिकली, विच पा दिती आ विप्ड क्रीम, ते इन्ना वधिया इहदा कॉम्बीनेशन बनिया, कमाल हो गई आ। स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड ही इहनू कहांगे लिटरली। पर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा क्योंकि वैदर भी बहुत वधिया। पर मैं एक चीज़ नोटिस करता सगा, सारी दुनिया के खाने अलग अलग आ, जिते भी तुसी दुनिया च जाने आ खाना बदली जाता, जबान बदली जाती, नाल खाना बदली जाता, पर भुख सारिया की इको ही है, भुख एको ही है पर खाने अलग अलग है, तो बाकी इमोशनस भी इंसान के जीवन च इस तरह चलते। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਂਟ ਸ਼ੂਟ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 7-Eleven ਸਟੋਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ 7-11 PM तक खुलते होंगे से पहला शुरुआत दे विच, ते फिर हौली हौली उन्होंने 24 घंटे कर दते अमरीका च, जिन्ना क मैनू पता, मैं गलत भी हो सकता, ते फिर कनेडा दे विच भी बहुत 7-11 से, पर हुण उत्थे घटन लग पै, जिस शहर दे विच मैं रहना उस शहर दे विच सिर्फ एक रह गया हुण 7-11, पर जदों 90 दे विच असीं गए हाँ तां हरेक कॉर्नर दे उत्ते 7-11 हुंदा सीगा, हुण स्टारबक्स आ इस तरह, ते असीं उत्थे स्लर्पियां पीण जांदे हुंदे सी। कुछ कंट्रियां दे विच बहुत ज़्यादा लग पै वधण, जिद्दां थाईलैंड च बहुत आ हुण 7-11, जपैन दे विच भी हर एक कॉर्नर ते 7-11 देखण नूं मिलदा, ते हुण जदों असीं इत्थे आए तां 7-11 सानूं बहुत देखण नूं मिले, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਹਰ ਦੁਆ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਆਦਮੀ ਬੇਅਸੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੰਜੋ ਗਮ ਰਾਹਤੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਂ ਮਲੂਲ ਹੋ ਜਾਏ।